बैकग्राउंड में आवाज भी सुन लो कितना डेंजरस आवाज चल रहा है। सोचा हूँ कि दो चार दिन काम करूंगा, पैसा आएगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को नदी दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, यहाँ पे जाने से भी रिस्क है। ये देखो भाई खेत वाला मछली। आज तुम्हारा भाई का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से, देख लो कितना अंधेरा है भाई। और अचानक इतना भयंकर पानी आ गया ना, हम सो गए थे एक दो घंटा के लिए और इतना तेज पानी आ गया ना कि देखो सब साइड सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है भाई। देखो कुदाल उदाल लेके अभी आ चुके हैं अपना खेत को देखने के लिए, खेत सही है कि नहीं, थोड़ा ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा। सांप कीड़ा मकोड़ा का बहुत डर है भाई, इसका जो आयर है वो तो भसकने वाला है, सब साइड से भसक गया भाई, बहुत दिक्कत। इतना भयंकर पानी आ गया ना भाई, हम सोचे भी नहीं थे, कोई सोचा नहीं था कि पानी आएगा कि नहीं, सब कोई तो ऐसा लग रहा था कि इस साल पानी ही नहीं आने वाला है, और अचानक देखो इतना तगड़ा वाला पानी आ गया भाई। और अभी हम आ गए हैं नदी साइड वाला खेत, वो भी अकेले, देख रहे हो कोई नहीं है मेरे साथ, और पानी इतना तगड़ा है कि पूछो मत, जिधर देखो उधर बस पानी ही पानी। ऐसा पानी में कोई काम करे या ना करे लेकिन मछली मारने का कोई भूल नहीं सकता भाई। अभी हम उधर नीचे जाएंगे ना तो हमको लगता है मिश्रा टोली का आधा आदमी मछली मार रहा होगा, और इस साइड भी नीचे भी। तो यही वाला खेत है तुम्हारा भाई का, और देखो कितना अंधेरा है भाई, और अंधेरा में तुम्हारा भाई अकेले आया है। बैकग्राउंड में आवाज भी सुन लो कितना डेंजरस आवाज चल रहा है। जिला पार्षद भैया लोग भी आए हैं खेत साइड, मगर वो लोग काम करने नहीं, मछली पकड़ने, बट वो लोग दूसरा साइड है, उधर भी जाके आप लोग को दिखाएंगे, पहले अपना खेत वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। माँ कसम देखो खेत का क्या हाल हो गया भाई, यही जगह पूरा टूट गया और सारा पानी उधर जा रहा था। ये वाला खेत में देखो कितना पानी भर गया है, ये पानी हमारा खेत को बर्बाद ना कर दे इसलिए देखो हम लोग यहाँ पे पूरा बंद कर दिए। यहाँ से भाई पूरा भयंकर पानी जा रहा था हमारा खेत में, बट हम लोग यहाँ पे बंद कर दिए ना तो थोड़ा सा ठीक होगा। अभी यहाँ से भी पानी जाता और इधर से भी पानी जाता ना, तो फिर हम लोग जो बनाए थे वहाँ पे, पापा बनाए थे वहाँ पे, तो वो टूट जाता और फिर से हमारा खेत बर्बाद हो जाता, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे बंद कर दिए। भाई खेती करने में बहुत मज़ा आता भाई, देख रहे हो इतना पानी में खेलते रहो भी रात के टाइम में, भाई पानी में खेलने का मज़ा ही अलग है। देखो इधर से पानी कितना रफ्तार से जा रहा है, और ऐसा पानी में आपको सांप भी बहुत मिलेगा। अभी जस्ट हम जिला परिषद भैया लोग से बात किए, वो लोग मछली पकड़ के घर निकल गए, हमको लगा वो लोग होंगे तो उधर जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग मछली पकड़ते हैं। पापा भी पकड़े हैं, आप लोग को दिखाएंगे घर जाके, क्योंकि वो घर पहुँचा दिए मछली को। अभी चलिए अब डायरेक्ट घर निकलते हैं, इतना अंधेरा हो गया है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। आज पानी आया पूरा तगड़ा वाला, कल से किसी को ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा, जिधर जाएगा ट्रैक्टर उधर ही फंस जाएगा। ये देखो भाई खेत वाला मछली, हम ही लोग का खेत में था इतना सारा मछली। खेत वाला मछली का टेस्ट ही अलग है, इसमें जो तरी रहता है ना भाई, तरी भी बहुत मजा आता है, इसका टेस्ट हो। लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर तल के तरी वाला मछली तैयार हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको छोटा मछली बनाना कैसा है, तो चलिए फोकस करिए। पहले आपको एक मछली को ऐसे उठा लेना है और ये वाला हथियार से इसका बॉडी को इस तरीके से करना है। एक सेकंड, ये देखिए इसका निकल रहा भाई, गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं सुबह ही सुबह 5 बजे आ गया हूँ अपना खेत साइड काम करने के लिए। कल 2 घंटा इतना तेज बारिश हुआ था कि हमारा खेत पूरा डैमेज हो गया था, पानी इतना भयंकर फ्लो कर रहा था खेत से कि पूरा जो उसका बंधा हुआ आयर सब रहता है सब कुछ टूट गया था। तो आज मैं सुबह ही सुबह आ गया हूँ अपना खेत का स्टेटस चेक करने के लिए। आज का व्यू देखो, आज उतना खास पानी नहीं दिख रहा है, कल तो भाई इतना भयंकर पानी था कि ये सब जो आयर आप देख रहे हो इसमें भी पानी से पूरा कवर हो गया था। कल ही मैं डिसाइड कर लिया था कि सुबह सुबह 5 बजे मैं निकल के आ जाऊंगा अपना खेत साइड काम करने के लिए। कल का व्यू इतना खतरनाक था ना कि पूछो मत, सब साइड सिर्फ पानी ही पानी, ये जो आप बीड़ा देख रहे हो ना ये भी पूरा पानी से कवर था, बट आज पता नहीं पानी कहाँ चला गया। मैं कल सोच रहा था कि पूरा अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा, बट अंधेरा के कारण मैं ठीक से ब्लॉग भी नहीं कर पाया, क्योंकि भाई अंधेरा में कुछ दिखता भी नहीं है ना, और इस टाइम में सांप और छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ देखो बबल्स,
ऐसे ही सबका खेत में टूट जाता है और फिर ये छोटा सा टूटने के वजह से ये पूरे ही टूट जाता है। ये देखो यही हमारा खेत, भाई ऑलरेडी काम पे लगा हुआ है। चलो मैं भी अभी लग जाता हूँ उधर काम पे और फटाफट काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आपको नदी भी दिखाने के लिए ले चलेंगे। माय गॉड, काम करते करते मिट्टी खा गए, देख सकते हैं। और काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, हल्का फुल्का और ऊपर मिट्टी देना है तो अभी पूरा ये गीला है ना, तो इस वजह से अभी हम लोग मिट्टी नहीं डाल रहे वरना फिर लिटिगेशन में फंस जाएंगे भाई। चलो आपको मैं दिखाता हूँ मेरा खेत का डेंजरस पॉइंट। वहाँ पे हमारा पूरा खेत टूट गया था, बिखर गया था और थोड़ा देर रुकने से हमारा वो जगह का पूरा लाइन बाय लाइन पूरा टूट जाता। ये देख, यही सामने वाला जगह देख रहे हो, यहाँ तक पूरा दरक गया भाई, ये देखो। और थोड़ा देर हम लोग छोड़ देते ना, ऐसे ही बहने देते पानी, तो देख रहे हो ना कितना भयानक दरक के जा रहा था, वहाँ तक पूरा टूट जाता भाई। देखो इतना सामने ही कितना डेंजर दिख रहा है, यहाँ पे जाने से भी रिस्क है। हमको लगता है दो ट्रक मिट्टी लगेगा तब जाके ये प्रॉपरली जैसा था वैसा हो पाएगा। फिलहाल अभी हम थोड़ा बहुत काम कर लिए हैं, अभी मेरे को एक काम में जाना है तो फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काम करना भी बहुत ज़रूरी है भाई। मैं सोचा हूँ कि दो चार दिन काम करूँगा, पैसा आएगा और उसके बाद फिर मैं कहीं ट्रिप टूर पे निकल जाऊंगा। और ये नीचे वाला खेत है हमारे बड़े पापा का, यहाँ पे मेरे को लगता है मछली है क्योंकि देख रहे हो पानी, हम लोग का भी पानी पूरा बहान करता, बट इसके कारण और उधर जो अभी हम बनाए उसके कारण हमारा खेत में पानी ही नहीं ठहरा। मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को नदी दिखाऊंगा, तो चलो नदी का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे देखो छुई मुई कांटा, टच मी नॉट, जिसको टच करने से मुरझा जाती है वो वाला कांटा है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना होगा क्योंकि मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं है भाई। हमारा झारखंड में भी इतना खतरनाक खतरनाक सीन है ना, कोई भी गांव आप चले जाओ वहां पे आपको व्यू पॉइंट मिलेगा और बहुत ही मस्त मस्त जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं गाँव का ही निवासी हूँ तो मैं इधर उधर गाँव जाते रहता हूँ और देखते रहता हूँ। और देखो हम लोग पहुँच चुके हैं नदी किनारे। देखो दो दिन पहले ये नदी पूरा सूखा हुआ था और पोटपोटों के कारण पूरा नदी ढक गया था और अभी देखो दो घंटा पानी आया उसी में देखो पूरा नदी बहना स्टार्ट हो गया भाई। और कितना ही खूबसूरत लग रहा है, पूरा हरा भरा के बीच में एक प्यारा सा नदी। OMG भाई, मॉनसून का मजा ही अलग है भाई, सब साइड हरियाली ही हरियाली। अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि तुम्हारे भाई के पास टाइम भी नहीं है, वहाँ सेंटर में भी जाना है मेरे को काम करने के लिए, वहाँ से भी बुलावा आ रहा है। देखो पूरा सब साइड कद्दू मिट्टी हो गया है, मेरे को जाके अभी सबसे पहले नहाना होगा और उसके बाद फिर रेडी होके निकलना होगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ये छुई मुई कांटा को इग्नोर करते हुए रफ्तार से चलते हैं। भाई मेरे को जल्दी घर जाना था इसलिए मैं गाड़ी लेके आया था, ये देख मेरी चंपर डाल ली और बीच में अपना कुदाल भी रख लिया हूँ, भाई अपना कुदाल लेके चला गया। और ये देखो चचा भी आ रहे हैं रोला माफिक की, चचा सब बढ़िए। तो चलो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इसे ही छोटा छोटा ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शेयर एंड टेक केयर, बाय बाय। चलो भैया आप चलते घर, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी प्यार कर लो, ला 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 ला।